मसाला डाल दूं, मैं प्याज काट लूं, छुरी से भर के। गुड मॉर्निंग गाइज, आज की सुबह तो बिना मीठी के ही हुई है। मीठी है नहीं, मीठी जा चुकी है। और कुछ ब्लॉग्स मैंने जो न्यू ईयर के पहले सब बना के रखे थे रेडी करके, तो वो मैंने पोस्ट नहीं किए क्योंकि बीच में आ गया न्यू ईयर, तो मैंने न्यू ईयर के ब्लॉग्स डाल दिए। तो वो सारे ब्लॉग्स आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह मैंने बहुत सारा अपना जो भी काम था वो सब कर लिया है। इधर ये देखिए, साग धो लिया है, बथुए का साग। मेरे पास साग बहुत आता है, कोई ना कोई साग तो आता ही रहता है। और इधर आटा भी लगा लिया है, तो सारे काम चल रहे हैं धीरे धीरे किचन में। और सब लोग उठ गए हैं, कृषि सो रहा है क्योंकि आज उसको जाना नहीं था तो इसलिए वो सो रहा है। और ये जो मैंने पैकेट्स मंगाए थे ना सब्जी वगैरह रखने के लिए, तो ये अब धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छे निकले। जिप वगैरह ये निकलता था तो मैं इसे लगा देती थी दोबारा से, और जब मैं इसमें सब्जियाँ कम हो जाती हैं, जैसे अगर सब्जियाँ मैंने फिल कर ली और एक्स्ट्रा बच गया तो फिर उसको वॉश करके ऐसे खड़ा करके रख देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब ये सूख जाता है तो फिर इसको साइड में रख देती हूँ, जब जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हाँ, बन रहे हैं पराठे पांडे जी के लिए, और पराठे रेडी हो चुके हैं। ये पराठा बना करके ना मुझे याद आ गया अपना बचपन, जब स्कूल में हम लोग जाते थे तो पहले ये तिकोने वाले पराठे बनते थे, और अब जो है गोल भी बना देते हैं हम लोग, लेकिन उस समय यही वाले पराठे बनते थे और स्कूल लेकर के यही पराठे जाते थे हम लोग। हम लोग का ये सबसे फेवरेट मतलब लंच होता था कि पराठा सब्जी या अचार। और मेरी एक फ्रेंड ना पराठा सब्जी तो लाती थी, साथ में लहसुन मिर्ची और धनिया की चटनी लेकर के आती थी, तो वो हम लोग को इतना पसंद था। और उसमें लहसुन की जो पत्तियाँ होती है ना उनको भी वो मतलब सिलबट्टे से पिसा होता था वो चटनी, पता नहीं कौन ही उनके वहाँ इतना सुबह सुबह काम करता था। तो हम लोग चाहते थे वो थोड़ा ज़्यादा लेकर आए, लेकिन अब घर में जितना लोग पैक करते थे तो टूट पड़ते थे हम लोग उस चटनी के ऊपर, इतना वो टेस्टी लगता था वो खाने में। और आजकल के बच्चों को कितनी सारी वैरायटी दे दो, लेकिन कभी कभी टिफिन खा से आ जाता है पूरा पूरा डब्बा वैसे वापस आ जाता है, इन लोगों को नहीं पसंद आता है। और हम लोग पराठा अचार और सब्जी से ही कितना खुश हो जाते थे। आज बच्चों वाले प्लेट में ही इनको दूंगी नाश्ता। पूरे चेयर पे जैकेट ही तो है, वहाँ है जैकेट। मेरा नहाना धोना तो हो गया, फटाफट मैं नहा ली, और नहाना बहुत ज़रूरी है ठंड में। क्यों हंस रही है मम्मी, पता नहीं क्यों हंस रही है। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी नहा लेती हूँ ना, ये मत सोचिए कि मैं नहा ही नहीं। ये देखिए इनको कितनी हंसी आ रही है मेरे ऊपर, तो मैं जल्दी जल्दी नहा के आ गई हूँ। मुझे मेरा वैसे भी मैं बदनाम हूँ, मोनी नहान कहते हैं लोग, मोनी नहान हुआ है, तो मैं नहा वहा के आ गई। और मैंने चाय रखी है तो अभी पीते हैं चाय दोबारा। ये देखिए हमारी चाय रेडी है, बस हो गई है। और हाँ, मस्त दिख रही है चाय मेरी। गाइस पता है मैं क्यों हंस रही हूँ? मुझे अभी तो मैं मम्मी को चाय दे रही हूँ, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मम्मी और हम बात कर रहे थे कि हमारे गांव पे एक मेरी ननन जी हैं, तो उनकी बेटी है, तो जब शादी कभी किसी क्या होती है तो कहती है भाई ठंडी में लोग शादी होते, तो ठंड में शादी लोग खुश होते हैं, तो कहती है पता नहीं क्यों मामा लोग ठंडी में शादी करते हैं, मुझे बच्चों का बहुत सारा कपड़ा लाना पड़ जाता है। तो अभी हमारे वहाँ एक और शादी होने वाली है अप्रैल में, तो मैंने बोला कि अब ना ये ठंडी है ना गर्मी, दोनों चीज़ का ये शिकायत नहीं कर सकती है, कहेगी बहुत अच्छा मौसम, मतलब अप्रैल के स्टार्ट में ही है, अप्रैल में ही है तो उतनी मतलब गर्मी तो नहीं रहती है, घर के अंदर तो नहीं पता चलता है। तो यही हुआ कि अब इस बार नहीं कहेगी, ये शिकायत उसको नहीं रहेगी कि गर्मी है ठंडी है, उसी की बात करके हम लोग हंस रहे थे। ये देखिए मेरा बेटा इस समय उठ रहा है, वाह, रात में जागने का नतीजा है। थैंक यू, वेलकम। अब गुस्सा आ गया, उसको बुरा लग गया। अच्छा उठ जाओ, आज मम्मा मैगी खाएगी, आज मेरा मन है मैगी खाने का, तुम बहुत मैगी खाते हो। अब उठ जा, उठ जा। दूध ले लेते हैं, दूध वाले आ गए हैं। अरे वो रुद्र बहुत बदमाश है, फोन कर रहा है कि दूध आया, लग रहा है हम सुनेंगे नहीं। अरे एक ही बार ने बोले हैं, फिर एक ही बार बोले हैं, एक ही बार मोबाइल ले वाली हुई थी, एक ही बार बोले हैं, एक ही बार फोटो बनाओ चलिए जल्दी बना लो भाई। बहुत मार खाओगे तुम। पैसा भी लेंगे क्या? अमने क्या मतलब? गुरुवे हमारे घर के नहीं। बथुए का साग अब छौंकने जा रही हूँ, पहले पड़ेगा ऑयल।
कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने मसाला डाल तू मैं प्याज काट लूं छुरी की धर पे है मैं खुला हुआ मैं कह रहा हूँ क्या कुछ नहीं है क्या कुछ नहीं है क्या मैं कह रहा हूँ क्या तेरा दीवारा कर है मुझे तो वो कर है ये क्या वफा उठा धुआ ना जाने क्या जल गया तेरे दिल न जी सके तेरे दिल समझ सके कुछ भी न कर सकेंगे चुरा लो दुनिया सनम बना लो ना अपना ऐसा ये तेरे बिन न जी सकेंगे तेरे बिन न मर सकेंगे हम सोच कर कहेंगे चुरा लो दुनिया सनम तेरे बिन न जी सकेंगे साग रेडी हो गया मैं आई ही नहीं मम्मी ने देखा ये देखिए हो गए इसे और मैश करना पड़ेगा।